Hello students, I am Arvind Kumar, PhD Physics from Surat School, Rewari. Today we will discuss the next topic from third unit, Magnetic Effects of Current and Magnetism of last chapter, fourth chapter, Classification of Magnetic Matter. And our today's topic is relation between magnetic permeability, that means mu. Or here we will relate with relative magnetic permeability, so I write it mu r. Relative magnetic permeability and magnetic susceptibility. In last video we discussed that magnetic susceptibility is just equivalent to efficiency, ki how easily a magnetic metal can magnetize. Or magnetic permeability ko humne define kiya tha ki kitni number of magnetic field lines easily permit karta hai koi metal apne through pass karne mein, passes mein, to isliye permeability ki terms thi. In dono mein hame relation chahiye. अभी इन दोनों में रिलेशन के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं, देखते हैं क्या है. मैंने एक सोलेनोइड लिया, इसमें कोई भी मेटल प्रेजेंट नहीं था. इसका मतलब ये क्या था, फ्री स्पेस एयर में था. तो एयर में था तो इसमें करंट आई पास हो रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कुछ होगा. तो हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए इसके इन साइड में वो कितनी होनी चाहिए, बी नोट इज इक्वल टू म्यू नोट एच. तो वो टर्म्स थी, यानी यहाँ पे किसी मेटल को रखेंगे तो उतनी तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इसके ऊपर लगेगा ही लगेगा, ठीक है. तो वो एयर में था. When we placed a magnetic metals in magnetizing field, then it get magnetized. कि जब भी मैं एक मेटीरियल को किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखूंगा तो वो क्या होगा, मैग्नेटाइज होगा. तो वहां पे मैग्नेटाइज हुआ ये मेटीरियल रखा मैंने जो ब्लू कलर में है, इसमें मेटीरियल में रखा इस सोलेनोइड में, तो इसमें ऑलरेडी पहले से कितनी फील्ड थी, बी नोट. जब मैंने इसको रखा तो ये खुद भी क्या हो गया, कुछ मैग्नेटाइज्ड हो गया. और मैग्नेटाइज्ड हो गया तो अब इस मैग्नेटिक मटेरियल की टोटल मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो कितनी होगी, जब एयर में था कुछ भी नहीं था तब स्ट्रेंथ थी, और ये मैग्नेटाइज्ड हो गया तो इसकी खुद भी होंगी कुछ मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों का एडिशन. अब ये ज्यादातर बच्चों के लिए कंफ्यूजन का है. अब इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनेंगे से. अगर मैं ये कहूं कि कोई डेली लाइफ में बिना किसी प्रेशर के कितना डिसिप्लिन है, तो कोई कहेगा कि कुछ कम होते हैं कुछ ज्यादा होते हैं, वो अलग अलग नेचर है, पर्सन टू पर्सन या स्टूडेंट टू स्टूडेंट. इसका मतलब कोई ज्यादा डिसिप्लिन है अपने आप, कोई कम डिसिप्लिन है विदाउट एनी इंसिस, किसी ने कोई प्रेशर नहीं डाला, अपने आप में सेल्फ डिसिप्लिन है, कोई कम होता कोई ज्यादा. इसका मतलब वो बी नोट है, हमने कोई इंसिस्ट नहीं किया, वो बी नोट था, उतना खुद सेल्फ डिसिप्लिन था. अब उसके ऊपर इंसिस्ट करना स्टार्ट करते हैं, यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करने के लिए. उस स्टूडेंट पे हमने प्रेशराइज करना स्टार्ट किया उसको डिसिप्लिन में रहने के लिए, या ये कहते हैं उसको हमने सिंपल मिलिट्री में डाल दिया जो एक वेल डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको जब उसमें डालेंगे तो थोड़े दिनों के रूटीन के बाद में उसमें जो डिसिप्लिन होगा वो कितना होगा. तो आप क्या कहोगे, पहले से जो था वो तो है ही, प्लस जो था वो उसको बनाने में और एक्स्ट्रा कितना हुआ, तो टोटल जो डिसिप्लिन होगा वो कितना था, ऑलरेडी पहले बिना प्रेशर के कितना था, प्लस में उसको बनाया हमने डिसिप्लिन प्रेशर डाल के, तो वो कितना हो गया. तो दोनों का एडिशन के बाद में वही तो टोटल डिसिप्लिन होगा. तो यहाँ पे भी किसी मेटीरियल का पहले से कितनी मैग्नेटाइजिंग फोर्स थी और बाद में जब उसको मैग्नेटाइजेशन कर दिया तो उसका खुद का भी मैग्नेटाइजेशन हो गया. तो इसका मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड ए मटेरियल इज तो कितना लिखेंगे, बी इज इक्वल टू बी नोट प्लस में बी, वो खुद पहले से कितना था, प्रेशर डालने के बाद में वो और कितना डिसिप्लिन बन गया. इसका मतलब बी नोट प्लस में बी. अब बी नोट जो होता है वो हम कितना लिख सकते हैं, म्यू नोट इनटू में एच लिख सकते हैं, कि एयर में अपने आप सेल्फ से कितना था. और जब हमने उसको सेल्फ से कुछ प्रेशर इंसिस्ट किया, उसको फील्ड में रखा, उसको आर्मी में भेज दिया, तो उसके बाद में उसमें जो ऊपर से ऑर्डर थे उसकी वजह से वो कितना डिसिप्लिन हुआ, तो उसको बनाने के लिए हम कितना लिखेंगे, म्यू नोट आई, कि इतना वो बन गया है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. और ये क्या था, मैग्नेटाइजिंग फोर्स. तो इसका मतलब ये दोनों का एडिशन ही तो टोटल फील्ड स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक मेटल की.
बट हमें ये पता है बी इज इक्वल टू बी, मैं लिखना चाहूं तो इस मेटल की स्ट्रेंथ जो थी वो तो मीडियम चेंज हो गया, तो मीडियम लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, म्यू एच लिख सकते हैं इसको बेसिकली, कि टोटल स्ट्रेंथ मेटीरियल एड हो गया इसमें। ध्यान रखना इसमें कभी आप ये सोचो कि बी नॉट एयर में और ये टर्म सेम है, यहाँ पे मेटल जो था वो फ्री स्पेस था और अब क्या था मेटल म्यू, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे टर्म्स, बट वी नो इन लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड अबाउट द सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस फ्रॉम दैट जाई एम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्या बताया था एफिशिएंसी है सिंपल, कितना हमारा मेटल मैग्नेटाइज्ड हुआ और कितना हमने फोर्स लगाया। तो यहां से अगर लिखें तो आई इज इक्वल टू कितना लिखेंगे जाई एम इन टू में एच, यानी इस आई की जगह मैं कितना लिख सकता हूं उस मेटल की कितनी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी थी इन टू एच। सो म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नोट एच प्लस में म्यू नोट, और इसकी जगह कितना लिख सकते हैं जाई एम इन टू में एच। यहां से मैं म्यू नोट कॉमन ले लेता हूं इस टर्म को, तो यहां से मैंने लिखा म्यू नोट और ये टर्म्स जो थी, या इसको पूरा ही हम इस सेपरेशन में ले आते हैं म्यू नोट और यहां से एच प्लस में जाई एम इंटू में एच, ये टर्म्स यहां से कितना था म्यू इंटू में एच। अब एक और टर्म्स है जो एच भी था वो भी कॉमन है इसमें से, तो मैं एच को भी क्या ले सकता हूं कॉमन, तो यहां पे कितना रिमेनिंग होगा वन और यहां पे जाई, तो एच से तो एच हम क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट। अब हमें किसमें रिलेशन चाहिए, मैग्नेटिक परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी भी है, यहां से हम रिलेटिव भी बना सकते हैं। तो यहां से म्यू अपॉन में म्यू नोट इज इक्वल टू वन प्लस में कितना हो गया जाई, यही तो टर्म्स थी बेसिकली, बी अपॉन में बी नोट लिख रहे थे तो यहां पे भी, तो यही जो टर्म्स है उसको क्या बोलते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है वन प्लस में जाई, यानी ससेप्टेबिलिटी में ए वन को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा उस मेटल की रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। जैसे हम कहें कि इसके भी यूनिट नहीं थी सिर्फ नंबर था, नंबर में एक और ऐड कर देंगे तो नंबर ही आएगा, तो उसकी भी यूनिट नहीं होनी चाहिए, तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी की भी यूनिट नहीं होती। या डायरेक्टली जाई एम अगर हम कहीं पे कैलकुलेट करेंगे तो जो भी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी होगी मेटल की उसको रिवाइज करें। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे, कोई एक याद रख लेंगे कंफ्यूजन कम होगा। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज इक्वल टू रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ मेटल माइनस में वन, उसमें से माइनस वन करेंगे तब जाके मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी होगा। तो ये हमारी रिलेशन थी बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी, और ये काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, टू मार्क्स में जनरली काफी बार ये पूछा जा सकता है रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। तो आपको ये लिखना है व्हेन ए मैग्नेटिक मेटल placed in magnetizing field then it magnetized, so total magnetic field strength of the magnetic metal becomes equal to p naught plus pa, और आगे आपको पूरा process पता है, इसको एक बार अच्छे से revise करेंगे। Thank you.